नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मरीन इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड। अगर इस कंपनी की बात करें तो आज इस कंपनी में काफ़ी बड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिला है। आप देखेंगे आज यह कंपनी 20% के अपर सर्किट पर जाकर क्लोज हुआ है। तो ऐसे में इस कंपनी के पीछे का रीजन क्या है, कंपनी इतना तेज़ी से साथ भाग क्यों रहा है और यह कंपनी और कितना भागेगा। जो लोग फ्रेश एंट्री करने की सोच रहे हैं, क्या उन्हें करंट प्राइस पर बाई करना चाहिए या फिर जो लोग ऑलरेडी शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर रखे हैं, उन्हें आगे की रणनीति क्या अपनानी चाहिए, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे आगे वीडियो में। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस न करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अगर इस कंपनी के 52 वीक हाई को देखें तो 90.70 रुपये का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आज के डिलीवरी की बात करें तो 33% का डिलीवरी डिटेल आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं इस कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी में तेजी आ क्यों रही है। आप देखेंगे कंपनी को काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है जो कि 43.20 करोड़ का ऑर्डर है और इसीलिए इस कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं इस कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, अगर इस कंपनी के शॉर्ट टर्म के चार्ट में हम डिटेल की बात करें तो इसमें हमने डेली चार्ट लगा रखा है। अगर डेली चार्ट पे इस कंपनी के अगले टारगेट की बात करते हैं तो 44 रुपये का डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। कंपनी जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर निकलता है तो फिर आपको 52 से 55 रुपये का पहला टारगेट, और कंपनी अगर उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर आपको लंबा टारगेट देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक रजिस्टेंस लेवल जो कि 44 रुपये के पास का बनता है, कंपनी अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता तो फिर क्या होगा, तो फिर यह कंपनी 37 रुपये के पास सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए इंटर हुए हैं वो चाहे तो अपना स्टॉप लॉस यहां पे मेंटेन करके चल सकते हैं। जो लोग बाई करने की सोच रहे हैं, एक बार 44 रुपये का लेवल टूट जाने दें, उसके बाद इस कंपनी को आप चाहे तो बाई करके चल सकते हैं अगर यह कंपनी आपको मिल जाती है। और जो लोग इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, वो चाहे तो अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में कंपनी अगर अच्छा रिकवर करता है, अच्छा ऑर्डर पाता है तो इस कंपनी में काफ़ी बड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।